मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 17, दैट इज़ प्लांट्स। आज हम लेसन 17 प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं। प्लांट्स का मीनिंग होता है पौधे। इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका नाम क्या है, प्लांट किस तरह के होते हैं, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, लीव मीन्स पत्ती, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, प्लांट्स से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, यह सब कुछ हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस लेसन की वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज नीड, एन डबल ई डी, नीड। नीड मीन्स ज़रूरत। सेकेंड स्टेम, एस टी ई एम, स्टेम। स्टेम मीन्स तना। लीफ, एल ई ए एफ, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। रूट, आर डबल ओ टी, रूट। रूट मीन्स जड़। नाउ लेट्स रीड अवर लेसन। रीड इंटरेस्टिंग पोयम अबाउट प्लांट्स अलाउड। यहाँ पर एक पोयम लिखी हुई है, यह पोयम प्लांट्स के बारे में है, तो इसे जोर से पढ़िए। लुक अराउंड, लुक अराउंड। लुक मीन्स देखना, अराउंड आसपास। लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं। सभी प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। प्लांट्स आर ब्राउन, और प्लांट्स ब्राउन कलर के भी हैं, ग्रीन और ब्राउन कलर के हैं। सम आर थिन, कुछ पतले पतले से हैं। थिन मीन्स पतला, तो कुछ प्लांट्स पतले हैं। सम आर राउंड, और कुछ गोल गोल हैं, मोटे मोटे हैं। सम ग्रो इन पॉन्ड, कुछ प्लांट्स, पॉन्ड मीन्स तालाब, कुछ प्लांट्स तालाब के अंदर ग्रो करते हैं। सम ऑन ग्राउंड, और कुछ ग्राउंड पर, ग्राउंड मीन्स जमीन पर उगते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ट्रीज दिख रही हैं, ये जो छोटे प्लांट्स हैं ये दिख रहे हैं, तो ये कहाँ पर ग्रो हुए हैं, ये जमीन पर ग्रो हुए हैं, और कुछ प्लांट्स पॉन्ड में ग्रो हुए हैं। प्लांट्स नीड सॉइल, प्लांट्स को क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए। प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स को पानी चाहिए। प्लांट्स नीड द सन, और साथ ही प्लांट्स को क्या चाहिए, सन। सन मीन्स धूप, टू शाइन ब्राइटर, ताकि प्लांट्स ग्रो कर सके। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, सॉइल मीन्स मिट्टी, वाटर एंड सन इट मीन्स धूप। ये तीन चीज़ें प्लांट्स को हमेशा ग्रो करने के लिए चाहिए। एक बार फिर से इस पोयम को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। लुक अराउंड, प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स आर ब्राउन। सम आर थिन, सम आर राउंड। सम ग्रो इन पॉन्ड, सम ऑन ग्राउंड। प्लांट्स नीड सॉइल, प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स नीड द सन टू शाइन ब्राइटर। वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। लाइक आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा। कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास आईज है, नोज है, हैंड्स है, लेग्स है, और इस तरह से और भी कई अलग अलग पार्ट्स हैं। सिमिलरली और इसी तरह से प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, और इसी तरह से प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, उसी तरह से प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं। नाउ रीड
How a plant introduces itself. Now means अब पढ़ो कि कैसे plant itself means खुद का introduce परिचय देना. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि plant अपने खुद के बारे में कैसे बताता है. Okay? I am a plant. मैं एक plant हूँ. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमें सन दिख रहा है, इट मीन्स प्लांट को धूप मिल रही है, वाटर मिल रहा है एंड नीचे क्या है, सोइल है. इट मीन्स कि प्लांट को ग्रो करने के लिए जो तीन चीज़ें चाहिए वह तीनों इस प्लांट को मिल रही हैं. ओके, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, दिस इज माई फ्लावर. प्लांट कहता है कि ये मेरा फ्लावर है. फ्लावर मीन्स फूल. इट इज वेरी कलरफुल. फ्लावर बहुत ही कलरफुल होता है, अलग अलग कलर्स का होता है. द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम. दिस इज माई स्टेम. यह मेरा स्टेम है. स्टेम मीन्स तना. इट हेल्प्स मी टू स्टैंड. और स्टेम मुझे सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है. नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज माई लीफ. यह मेरी पत्ती है. इट इज मोस्टली ग्रीन इन कलर. और अधिकतर मेरी पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें मैक्सिमम प्लांट्स में, मैक्सिमम ट्रीज में ग्रीन कलर की ही लीव्स दिखाई देती हैं. एंड द लास्ट इज माय रूट्स आर बरीड इनटू सोइल. प्लांट की रूट्स होती हैं. रूट मीन्स जड़. तो जड़ें सोइल के अंदर होती हैं, वो हमें बाहर दिखाई नहीं देती हैं. रूट्स हेल्प मी टू कीप मी फिक्स्ड. रूट्स मुझे एक ही जगह पर टिके रहने के लिए हेल्प करती हैं. उन्हीं की वजह से मैं एक जगह पर खड़ा रह सकता हूँ. वरना अगर रूट्स नहीं होगी तो जैसे ही हवा चलेगी प्लांट हवा के साथ उड़ जाएगा. तो हमने प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स पढ़े, फ्लावर, स्टेम, लीफ एंड रूट्स. प्लांट्स आर ऑफ मेनी काइंड. प्लांट कई तरह के होते हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉल. स्मॉल मीन्स छोटे. तो कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा. गुलाब मीन्स रोज. रोज प्लांट, मैरीगोल्ड प्लांट और इस तरह के और भी कई प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग. और कुछ प्लांट्स बहुत ही बड़े होते हैं. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. और ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें ट्रीज बोला जाता है. जैसे कि मैंगो ट्री. मैंगो मीन्स आम. तो आम का पेड़ जो होता है वह कितना बड़ा होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है. एप्पल ट्री, तो ये ट्रीज होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट. अलग अलग प्लांट्स की लीव्स अलग अलग होती हैं. उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है. बस केवल उनका कलर सेम होता है. सभी लीव्स ग्रीन कलर की होगी लेकिन शेप और साइज अलग अलग होती है. लीफ ऑफ रोज प्लांट. ये लीव रोज प्लांट की हैं, गुलाब के पौधे की हैं, तो ये थोड़ी अलग हैं. लीफ ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट. यह लीफ मैरीगोल्ड प्लांट की है. मैरीगोल्ड मीन्स गेंदे के प्लांट की है. तो इसकी लीव्स और इसकी लीव्स दोनों अलग अलग हमें दिख रही हैं. अब यहाँ पर है लीफ ऑफ मैंगो ट्री. मैंगो ट्री की लीव्स कैसी होती हैं. लीफ ऑफ एप्पल ट्री. एप्पल ट्री की लीव्स कैसी हैं. तो एक चीज़ हमें यहाँ दिख रही है कि सभी प्लांट्स की लीव्स अलग अलग होती हैं. नाउ हियर इज एन एक्टिविटी. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है
टेक ऑन फ्लावर्स दैट यू हैव सीन, उन फ्लावर्स पर आपको टिक लगाना है जिन्हें आपने देखा है. पुट क्रॉस ऑन फ्लावर्स दैट यू हैव नॉट सीन, और उन फ्लावर्स पर क्रॉस लगाना है जिन्हें आपने नहीं देखा. जैसे यहाँ पर है रोज, क्या आपने रोज को देखा है? इफ यस, हाँ देखा है, तो आपको क्या करना है? टिक लगाना है. और अगर आपने रोज नहीं देखा है कभी, तो आपको क्रॉस लगाना है. प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू एनिमल्स एंड मैन. प्लांट्स और ट्रीज इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, उनका बहुत सारा यूज़ है, हमारे फ़ायदे के लिए है. मैन एंड एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम देम. इंसानों को, इंसान मीन्स मैन, इंसानों को और एनिमल्स को प्लांट्स और ट्रीज से खाना मिलता है. मैन कैन ऑल्सो क्रिएट मैनी यूजफुल थिंग्स यूजिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. मैन मीन्स इंसान, प्लांट के पार्ट्स को यूज करके कई यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं. जैसे फर्नीचर बना सकते हैं, पेपर बनता है, परफ्यूम्स बनते हैं, रबर टायर बनता है, मेडिसिन्स बनती हैं. तो ये जो सभी प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी प्लांट के पार्ट्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं. टाइम टू रीलर्न. एक बार इस लेसन को हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. प्लांट नीड्स सोइल, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. प्लांट को ग्रो होने के लिए, ग्रो करने के लिए सोइल, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है. फ्लावर्स लीव्स स्टेम एंड रूट्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स लीव्स मीन्स पत्तियाँ, स्टेम एंड रूट्स प्लांट के पार्ट्स हैं. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को ट्रीज कहा जाता है. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट. अलग अलग प्लांट्स की लीव्स अलग अलग होती है. प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू एनिमल्स एंड मैन. प्लांट्स और ट्रीज एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, काम के हैं. यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. We will do the exercise part of this lesson in our next class. हम इस लेसन के एक्सरसाइज पार्ट को अपनी अगली क्लास में करेंगे.